नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। डालेंगे एक नजर देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु के हेब्बल फ्लाईओवर पर वॉल्वो बस हुई अनियंत्रित। बस ने 3 बाइक और 2 कारों में मारी टक्कर। हादसे में घायल बाइक सवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में मनाया जा रहा है झूलन उत्सव। 2 करोड़ के झूले पर विराजमान होंगे प्रभु राम। 19 अगस्त को होने वाले उत्सव के लिए 140 किलो चांदी और 700 ग्राम सोने से बना हीरे पन्ने का मुकुट। बालूघाट पर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट के दौरान 2 लोगों को मारी गोली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में महिला सिपाही की जिंदा जलकर मौत। सिपाही पति के साथ जा रही थी सिपाही महिला। डंपर ने दोनों को कुचला, जबकि पत्नी केबिन में फंस गई और उसे 20 मीटर तक घसीटा, जिसके बाद डंपर में आग लगने से पत्नी की हुई जलकर मौत। मेरठ में गुवाहाटी से आए वकील पर उसके दोस्तों ने रंजिश में बर्बरता की हदें की पार। दोस्तों ने वकील को पिलाया पेशाब, फिर न्यूड कर जमकर पीटा। पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर मांगा मोबाइल नंबर। पीड़ित ने की शिकायत, मुकदमा हुआ दर्ज। नहीं रुक रहे ट्रेन हादसे। 2 हिस्सों में बट गई नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन। देहरादून से कोटा जाते समय चलती ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। हादसे के बाद का वीडियो आया सामने। आपके नेता संजय सिंह पर फिर छाया संकट। सुल्तानपुर की एसपी एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR वारंट जारी। आक्रोशित किसानों ने स्टेट हाईवे पर दौड़ाए सैकड़ों गौवंश की वजह से हाईवे पर लगा जाम। यूपी के जिला बदायूं से जुड़े मामले का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में फर्जी किन्नर बनकर वसूली कर रहे युवक को किन्नरों ने पकड़ा। युवक का सिर मुड़वा कर तिराहे पर घुमाया, जमकर हुआ हंगामा, लोगों की लगी भीड़। दुष्कर्मी राम रहीम को एक बार फिर मिली फरलो। 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया और पुलिस सुरक्षा में यूपी के जिला बागपत स्थित आश्रम पहुंचा। अब तक 14 बार बाहर आ चुका है दुष्कर्मी राम रहीम। ये थी देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे 10 नई अपडेट के साथ। हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें एटी न्यूज इंडिया।